हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आज शाम की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें कि हम लोग कवर करने वाले हैं सीटेट 2020 की तैयारी के अंतर्गत शिक्षा शास्त्र के प्रश्न। आपको पता होगा दोस्तों, शाम की क्लास हम लोगों की होती है शिक्षा शास्त्र की, जिसमें आपको मिलते हैं शिक्षा शास्त्र के डेली के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपके सभी सब्जेक्ट एक एक करके कवर किए जा रहे हैं। पूरे 1000 प्रश्नों की ये सीरीज है। तो दोस्तों, इस क्लास को एंड तक देखिएगा, सभी क्वेश्चन का आंसर करिएगा। आज की आपकी क्लास नंबर 29 है, इसके पहले 28 क्लासेज हो चुकी हैं। पूरी प्लेलिस्ट नीचे बनी हुई है, वहाँ पर जाकर इन क्लासेस को देखकर अपनी पूरी 100% तैयारी करिए। हिंदी में पूरी व्याख्या के साथ आपको एक एक क्वेश्चन समझाया जाता है। 1000 प्रश्नों की सीरीज है, लिंक नीचे दिया गया है सीटेट 2020 प्लेलिस्ट नाम से, वहाँ पर जाकर उन क्लासेस को जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है, बताइए जल्दी से। भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। दूसरा है, विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। अगला दिया गया, बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से सीखते हैं, या फिर भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। कौन सा कथन उचित दिया गया पहला क्वेश्चन है, और पहले क्वेश्चन का आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ये एक पूरा क्रम होता है, क्रम के साथ ही साथ ये अंतः संबंधित होते हैं। चार कौशल होते हैं, ये क्या होते हैं? सुनना बोलना पढ़ना लिखना। ये आपका क्रम तो मालूम है, लेकिन केवल लग गया। हमने क्या बताया आपको, केवल वाला ऑप्शन आपको कभी भी सही नहीं मिलेगा, इसलिए इसका आपका डी नंबर ऑप्शन है, फोर्थ नंबर ऑप्शन है। भाषा के चारों कौशल अंतः संबंधित होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? बहुसांस्कृतिक क्लास है, यानी कि अलग अलग संस्कृति के अलग अलग भाषा के बच्चे एक साथ हैं, बहुभाषिक क्लास भी इसी को कहते हैं। और आप कौन है? भाषा के शिक्षक हैं, लैंग्वेज टीचर हैं, तो आप किस बात पर अधिक बल देंगे? बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना, पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना, बच्चों को व्याकरण सिखाना, या फिर स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना। तो सही क्या हो जाएगा दोस्तों? चारों ऑप्शंस में से सेकंड नंबर क्वेश्चन का आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, पहला क्या दिया गया, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना, यानी कि जब बच्चों को सिखा रहे हैं, जब बच्चे स्वयं करके सीखेंगे, करके कब सीखेंगे, जब बच्चों को अवसर दिया जाएगा, तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा और बताइएगा एंड में कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए क्या दिया गया है। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदी तर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, यानी कि हिंदी की क्लास में जो बच्चे हिंदी भाषी नहीं है, अन्य भाषाओं को समझने वाले हैं, उनको हिंदी सीखने में दिक्कत आती है। क्यों आती है? प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है, वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, या फिर हिंदी बहुत कठिन भाषा है। आप कोई भी भाषा सीखें, अगर आपकी मातृभाषा अलग है, तो सबसे ज़्यादा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो होगी आपकी संरचना में अंतर होना, क्योंकि आप कोई भी भाषा, आपको मान लीजिए इंग्लिश आती है, आपकी इंग्लिश मदर टंग है, और आप हिंदी सीखना चाहते हैं, तो जाहिर तौर पर कठिनाई आएगी आपको, क्योंकि बिल्कुल बेसिक लेवल से प्रत्येक चीज़ समझनी पड़ेगी, संरचना में दोनों में अंतर होता है। तो इसका आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जरूर अच्छे से समझते रहिए, देखते रहिए। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है, बोलना कौशल जो ये इसमें क्या महत्वपूर्ण है? मधुर वाणी, संदर्भ और स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण, या फिर आलंकारिक भाषा का प्रयोग। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन, और इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आप लोग समझ गए होंगे, आपने आंसर कर दिया होगा, ऑप्शन नंबर 2, संदर्भ और स्थिति के अनुसार अपनी बात को कह सकना, ये बोलना कौशल के अंतर्गत आता है। ने आपको चार कौशल बताए थे, उसमें बोलना कौशल भी बताया था, और बोलने से तात्पर्य है कि संदर्भ और स्थिति के अनुसार अपनी बात को कह पाना, अपनी बातों को अभिव्यक्त कर पाना, यह आपका सेकंड नंबर ऑप्शन में दिया गया, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत समझ का आकलन करने के लिए अधिक सहायक नहीं होते? इनमें से कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि भाषागत समझ का आकलन करने के लिए सबसे ज़्यादा अधिक सहायक नहीं है? दोस्तों, नहीं वाले प्रश्नों पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लोग नहीं पढ़ते हैं और वहीं पर क्वेश्चन गलत हो जाता है। पाठ पर आधारित तथ्यात्मक प्रश्न, कल्पनापरक प्रश्न, चिंतनपरक प्रश्न, या फिर अनुमानपरक प्रश्न। तो दोस्तों, भाषा की समझ की बात हो रही, भाषागत बात हो रही है, तो भाषा
परिभाषा के अंतर्गत अनुमान परक प्रश्न कभी भी सही नहीं होते। अनुमान लगाकर हम प्रश्नों को नहीं कर सकते जब तक हमें उसके बारे में सटीक जानकारी नहीं है। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा अनुमान परक प्रश्न, तुक्का नहीं मार सकते हैं, अनुमान का मतलब यही होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे। पठन कौशल, कुशलता कह दिया जाए या कौशल कह दिया जाए, दोनों एक ही बात है। पढ़ी गई सामग्री पर तथ्यात्मक प्रश्न पूछेंगे, पढ़ी हुई सामग्री पर प्रश्न बनवाएंगे, पुस्तक में कई में के किसी पाठ की पंक्तियां पढ़वाएंगे या फिर बच्चों से जोर जोर से बोलकर पढ़ने के लिए कहेंगे ताकि उच्चारण की जांच हो सके। दोस्तों पठन कौशल यानी कि क्या हो रहा है, पठन कौशल के अंतर्गत बालक के पढ़ने का विकास होता है और ये आपका सबसे सही ऑप्शन है, वो आपका 4th नंबर ऑप्शन है कि उच्चारण उसका चेक किया जाएगा कि वो सही पढ़ पा रहा है या नहीं कर पढ़ पा रहा है। इसके लिए जोर जोर से बोलकर पढ़वाएंगे प्रत्येक छात्र से, इसका आपका 4th नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 6th नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, मौखिक अभिव्यक्ति के में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। मौखिक अभिव्यक्ति में कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए, शुद्धता, प्रवाहमयता, श्रोताओं से काफ़ी उच्च स्तर की भाषा का प्रयोग या फिर अवसरानुकूल, अवसरानुकूल यानी कि अवसर के अनुकूल कौन सी विशेषता नहीं है। नहीं वाला प्रश्न आपका ये भी है, क्वेश्चन नंबर 7 है और 7 नंबर क्वेश्चन का आपका 3rd ऑप्शन श्रोताओं से काफ़ी उच्च स्तर की भाषा का प्रयोग यानी कि जो लोग सुन रहे बैठे, श्रोता का मतलब होता है जो लोग सुन रहे हैं उनसे तेज आवाज में बात करना, ऊँची आवाज में बात करना, ये आपकी विशेषता के अंतर्गत नहीं आता है, मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। सही से क्वेश्चन समझिए और आंसर करिए। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन अभ्यास है, इनमें से कौन सा है जो लेखन अभ्यास के अंतर्गत आता है, सुलेख, अनुलेख, श्रुतलेख या फिर ये सभी। क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों देखिए सुलेख यानी कि अच्छा लिखना, अनुलेख यानी कि देख देख कर लिखना, श्रुतलेख यानी कि सुनकर लिखना, तो ये तीनों चीज़ें जो होती हैं आपके लेखन कौशल या लेखन अभ्यास के अंतर्गत आती हैं, इसका आपका 4th नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आज के आपके ज़्यादा प्रश्न हैं जो हैं वो कौशलों पर आधारित हैं और कौशलों पर आधारित प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इसका आपका 4th नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी कौशलों को समझिए, देखिए और सोच समझकर आंसर करिए। बिल्कुल हम लोग एंड की ओर बढ़ रहे हैं, प्रत्येक क्वेश्चन को समझकर आंसर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, भाषा शिक्षण में विचारों के आदान प्रदान से छात्रों में निम्न में से किस कौशल का विकास होता है। विचारों के आदान प्रदान से सोच कर आंसर करिएगा इस बार, भाषा कौशल का, चिंतन कौशल का, समूह क्रियाओं में कार्य करने के कौशल का या फिर उपरोक्त सभी का। क्वेश्चन नंबर 9 है और सीधे सीधे आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों जब हम अपना कम्युनिकेशन करेंगे, किसी के साथ बैठेंगे, अपने विचार व्यक्त करेंगे तो उससे क्या होगा, भाषा कौशल का विकास होगा। बिल्कुल सही बात है, जब विचार कुछ बोल रहे हैं तो उसके लिए सोचना तो पड़ेगा ना, सोचने का मतलब है चिंतन कौशल का विकास हो रहा है और समूह में बैठे तो सामूहिक कौशल का भी विकास हो रहा है, इसलिए इसका आपका 4th नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज का अंतिम क्वेश्चन, आज कुछ ज़्यादा ही उपरोक्त सभी वाले क्वेश्चंस आ गए हैं, लेकिन आप लोग ऑप्शंस पढ़ते रहिए, कभी क्वेश्चन घुमाकर नहीं के रूप में पूछ दिया जाता है, तो उपरोक्त सभी के स्थान पर आपको जो अलग ऑप्शन दिया रहेगा वही आपको अलग करना होता है। अगला क्वेश्चन है, परिपरीक्षा का उद्देश्य क्या होता है। छात्रों में ज्ञानात्मक कौशल का विकास करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, जिज्ञासा, अभिवृत्ति और अभिरुचि का विकास करना या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों परिपरीक्षा का उद्देश्य जो होता है ये मुख्य रूप से ज्ञानात्मक कौशल का विकास करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ाना और जिज्ञासा अभिवृत्ति का विकास करना है, इसलिए इसका आपका 4th नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आज के आपके सभी 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, क्वेश्चंस भी क्लियर हो गए होंगे। अब दोस्तों आपको बता दें कि डेली सुबह आपके लिए करंट अफेयर की क्लास लेकर आते हैं, करंट अफेयर की क्लास में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि हम लोग डेली के डेली कवर करते हैं। ये क्लास आपको मिलती है डेली 6:30 बजे, इस क्लास को जरूर देखिए। आपके जितने भी आगामी एग्जाम हैं, करंट अफेयर अगर डेली के डेली तैयार करते रहेंगे तो वो आपके लिए जरूर कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बनी रहेगी। तो ये डेली के लगभग 10-11 क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं, पूरी व्याख्या के साथ प्रत्येक क्वेश्चन को कवर किया जाता है। इन क्वेश्चन को समझिए, देखिए कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कहां पर आपको प्रॉब्लम है। डेली क्लास आती है, इसी प्रकार से क्लासेस से जुड़िए, क्लासेस को देखिए और आपको बता दें कि
सीटर की पूरी तैयारी के लिए आपके लिए अनअकैडमी पर भी क्लासेस लेकर आ रहे हैं। अनअकैडमी पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस आती हैं, जिसमें कि डेली एक घंटे की लाइव क्लास होती है। लाइव क्लास में आप लोग अपने डाउट्स को वहीं पर क्लियर कर सकते हैं, और साथ ही साथ प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर के लिए पोल आयोजित किया जाता है। पोल में आप लोग तुरंत क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका स्कोर रहा है, कैसी आपकी तैयारी चल रही है। और इसी प्रकार की तैयारी के लिए आप लोग मेरा लिंक नीचे दिया गया, वहाँ पर मेरी प्रोफाइल में जा करके आप क्लासेस को देख सकते हैं। आकाश मिश्रा 95 या आकाश मिश्रा नाम से ही जुड़ सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें, टेलीग्राम पर आपको सभी क्लासेस के फ्री में नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। सफलता मंत्र ये नाम आप लोग डाल सकते हैं, सफलता मंत्र, इस नाम से आपको ग्रुप मिल जाएगा उस पर टेलीग्राम पर सर्च करके। साथ ही साथ लिंक भी नीचे दिया गया, इन सभी क्लासेस को जरूर देखिएगा। आज की क्लास पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पिछली क्लासेस प्लेलिस्ट में दी हुई, इनको भी जरूर देखेगा। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।